नमस्कार दोस्तों, अपना आदेश चैनल में ये आप सभी का स्वागत है। जीवित पुत्र का व्रत, यह व्रत संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। ये व्रत माताएं रखती हैं। जीवित पुत्र का व्रत निर्जला किया जाता है, जिसमें पूरा दिन एवं रात पानी नहीं लिया जाता। इसे 3 दिन तक मनाया जाता है। संतान की सुरक्षा के लिए इस व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। पौराणिक समय से इसकी कथा चली आ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक मनाया जाता है। इस निर्जला व्रत को विवाहित माताएं अपनी संतान की सुरक्षा के लिए करती है। खास तौर पर यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल में मनाया जाता है। यह व्रत 3 दिन तक किया जाता है। तीनों दिन व्रत की विधि अलग अलग होती है। पहला दिन नहाई खाई, अर्थात इस दिन जीवित पुत्रिका के पहले दिन को नहाई खाई कहा जाता है। इस दिन से व्रत शुरू होता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन लेती है, फिर दिन भर कुछ नहीं खाती। दूसरा दिन होता है खुरजितिया। यह जीवित पुत्रिका व्रत का दूसरा दिन होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। यह दिन विशेष होता है। तीसरा दिन होता है पारण। यह जीवित पुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है। इस दिन कई लोग बहुत सी चीज़ें खाते हैं, लेकिन खास तौर पर इस दिन झोर भात, नोनी का साग एवं मड़वा की रोटी, से मरुआ की रोटी भी कहते हैं, दिन के पहले भोजन में ली जाती है। इस प्रकार जीवित पुत्रिका व्रत का यह 3 दिवसीय उपवास किया जाता है। इस व्रत के महत्व को दर्शाने के लिए कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे, तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत की कथा विधि पूर्वक करते देखा एवं सुना। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक देखा। वहीं लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील के संतानों एवं उनके संतानों को भी कभी हानि नहीं पहुंच सकती, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बची। इस प्रकार इस व्रत का महत्व बहुत अधिक बताया जाता है। जीवित पुत्र का व्रत की कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। इस प्रकार इस जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व महाभारत काल से चला आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। धन्यवाद।